प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसमें हम लोग देखे थे दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या है, उसके अनुपात में क्या संबंध है और उसका अनुपात कैसा रहेगा, तो उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा और उसका हल कैसा होगा, उसमें हम लोग देखे थे। ये था a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म था, उसका व्यापक रूप था। इसमें देखे थे कि अगर इसका फर्स्ट केस था a1 by a2 = b1 by b2 का, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। इसमें हम लोग ये देखे थे a1 by a2 = b1 by b2 का, तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। इसमें हम लोग देखे थे इसका ग्राफीय निरूपण जो था, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर और इसका हल अद्वितीय था। सेकेंड केस ये था a1 by a2 ये बराबर है b1 by b2 के और ये बराबर नहीं था c1 by c2। इस केस में ग्राफ जो हो रहा था वो समांतर रेखा हो रहा था, ग्राफ जो था समांतर रेखा था और हल कोई हल नहीं था, इसका कोई हल नहीं था। नेक्स्ट था तीसरा a1 by a2 = b1 by b2 और ये बराबर था c1 by c2 के। अगर ऐसा केस आता है a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2, ऐसा अगर होता है तो इसका ग्राफ जो था संपाती रेखा था, दैट मीन्स कि दोनों जो लाइन था एक ही रेखा पे था और इसका हल अनेक था, ठीक है, क्योंकि सभी बिंदु पर ये दोनों लाइन प्रतिच्छेद करते हैं एक ही पे है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे कैसा इसका अनुपात होगा, अनुपात में संबंध कैसा होगा, तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा और इसका हल कैसा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके हल के बारे में। ये इक्वेशन को हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, पहला है ग्राफीय मेथड ग्राफ के द्वारा और सेकंड है बीजगणितीय मेथड। तो बीजगणितीय मेथड में आज हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी तीन है, इसको हम बीजगणितीय मेथड में भी तीन टाइप से बना सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। पहला है प्रतिस्थापन मेथड प्रतिस्थापन विधि, सेकंड है विलोपन विधि और नेक्स्ट है प्रतिगमन विधि, ठीक है। तो हम बारी बारी से पहले देखते हैं इसका बीजगणितीय मेथड में प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है, x प्लस y इज इक्वल टू 14 और x माइनस y इक्वल टू, ये तो एक रैखिक समीकरण युक्त है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। प्रतिस्थापन मतलब कि किसी एक को उठाकर दूसरे के स्थान पर रखना, प्रतिस्थापित कर लेना। जैसे इसमें हम ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ये एक रैखिक समीकरण युग्म है और इसमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये दिया हुआ, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं और इसको समीकरण दो मान लेते हैं। पहला को समीकरण एक मान लेते हैं और सेकंड को दो मानेंगे। इसमें कोई भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से हम एक्स या वाई का वैल्यू निकालेंगे, या तो एक्स का निकालेंगे या फिर वाई का निकालेंगे, ठीक है। तो हम सेकंड इक्वेशन से x का वैल्यू निकालते हैं, सेकंड से x का निकालेंगे तो x इधर y माइनस में है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 4 प्लस y। सेकंड इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाले हैं, x बराबर हो जाएगा ये इधर प्लस माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस y। इसको इक्वेशन थर्ड देंगे, जो दिया हुआ है उसको फर्स्ट लिखेंगे और सेकेंड दो मान लेंगे और इसमें दोनों समीकरणों के किसी एक से एक्स या वाई का वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन से निकाल रहे हैं, सेकेंड से हम एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा x बराबर, ये इधर माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5 y। अब इसको क्या करेंगे, जो जो x का वैल्यू हम फाइंड किए हैं, x का वैल्यू निकाले हैं, इसको हम समीकरण एक में रखेंगे, क्योंकि हम दो से निकाले हैं, ठीक है, दो से निकाले, अगर एक से निकालते तो दो में रखते और दो से निकाले हैं तो एक में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर एक में x का वैल्यू रखेंगे तो x के जगह पे हो जाएगा 4 प्लस y प्लस y इज इक्वल टू 14। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 y प्लस y 2y इज इक्वल टू 14। हमको y का वैल्यू निकालना है, y को करेंगे यहाँ से फ्री करेंगे तो पहले ये प्लस वाला को हटाएंगे, y के साथ 4 प्लस में है इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, यहाँ पे हो जा रहा है 2y इज इक्वल टू 14 माइनस करेंगे
y बराबर 5 y निकालेंगे, y बराबर 5 हो जाएगा। बहुत अच्छा, y यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में करेंगे तो ये 5, y का वैल्यू मेरा आ गया y बराबर 5। y का मान समीकरण एक में रखने पे y का मान अब यहाँ पे रखेंगे, एक में भी रख सकते हैं लेकिन ज्यादा इजी रहेगा। तो इसमें हम y का मान अब समीकरण 3 में, ठीक है, कितना आप लोग लिख लीजिए, लिख लिए, नहीं समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या कर गया, y का वैल्यू निकल गया मेरा y, फिर से बताइए ना, में एक से बताए, इसको आगे देख लीजिए उसके बाद एक बार फिर से बताइए। यहाँ पे हम y का वैल्यू निकाल लिए, 5 आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तीन में रखने पर नीचे लिखिए ना मैम, ये हो जाएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। यहाँ पे देखिए समीकरण 3 क्या है, ये है मेरा x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस y का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे रख देंगे 5, x बराबर 9, x बराबर 9 और y बराबर 5, यही आंसर हो जाएगा। एक बात फिर से समझ लीजिए, दो मेरा समीकरण दिया हुआ है, समीकरण युग्म है ये, ठीक है, इसको हमको बनाना है प्रतिस्थापन हेतु। प्रतिस्थापन यूज होता है किसी का वैल्यू उठाकर किसी और जगह पे रख देना। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ये दिया हुआ है इक्वेशन, यहाँ पे हम समीकरण जो दिया हुआ है उसको समीकरण एक को एक मानेंगे और सेकंड इसको दो समीकरण दो मान लेंगे। इसमें से समीकरण एक या दो किसी से x या y का वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ पे समीकरण दो से x का वैल्यू निकाल रहे हैं। समीकरण दो मेरा ये है x माइनस y बराबर 4, ये समीकरण दो है, इससे x का मान निकालेंगे, इससे x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, y इधर माइनस में है, बराबर के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस y। यहां तक क्लियर है? इसके बाद जो मेरा x का वैल्यू आया इसको हम समीकरण 3 देंगे, इसको समीकरण 3 देंगे। इसके बाद x का जो मान निकाले हैं उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हम ये 2 से निकाले हैं x का मान, ये 2 से x का मान निकाले हैं तो इसको हम उठाकर रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे इसका मान, तो यहाँ पे हो जाएगा x के जगह पे 4 प्लस y, और ये इसका पहले से y है, 4 प्लस y प्लस y बराबर 14 होगा। मैम आवाज नहीं आ रहा है, कटिंग है, चालू है यहाँ पे।
x का मान हम रखेंगे समीकरण तीन को हम उठाकर रख देंगे समीकरण एक में। एक मेरा समीकरण एक है x प्लस y बराबर 14। मैम आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं जा रही है। कौन से स्कूल? आरके प्लस टू रहमानिया हाई स्कूल। अभी आवाज गए। और इधर तरहसी आ रही मैम। तो यहाँ पे हम x का मान समीकरण एक में रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा x की जगह पे रख देंगे 4 प्लस y, ये हो जाएगा 4 प्लस y और इसका पहले से y है प्लस y बराबर 14। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और y प्लस y 2y हो जाएगा। यहाँ हम इसको इरेज कर दिए हैं, ये 2y हो जाएगा। तो आ जाएगा मेरा 4 प्लस 2y बराबर, इधर ये इधर 4 था प्लस में, इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये आ जाएगा 14 माइनस 4 10। अब y 2y हो जाएगा, y प्लस y था तो ये हो जाएगा 2y बराबर 10। यहां से हम y का मान निकालेंगे, y बराबर ये इधर इसके गुना में है, y के गुना में 2 है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10 बाई 2 और y इसको कट करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 5। तो यहां से मेरा एक चर y का वैल्यू निकल गया 5। अब इसको हम जो y का मान आया उसको उठाकर रख देंगे समीकरण तीन में, ठीक है। समीकरण तीन में y का मान समीकरण तीन में रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा समीकरण तीन में रहा है x बराबर 4 प्लस y। यहाँ से इसका मान रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस y के प्लेस पे रखेंगे इसका मान तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 5 9। ठीक है, यहाँ पे x y का वैल्यू निकल गया और ये x का वैल्यू निकल गया, यही हमको निकालना था y x बराबर 9 और y बराबर 5 इसका हल होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका एग्जांपल, तब और क्लियर हो जाएगा। सुनाता हूँ का क्वेश्चन है, a माइनस t बराबर 3 और a by 3 प्लस t by 2 इज इक्वल टू 6। ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। इसमें s और t चर है, s और t ही ना चर है। यस मैम। इसका मान निकालना है, तो जैसे हम फर्स्ट में अभी किए हैं वैसे करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि ये फर्स्ट वाला बटा में नहीं था, सिंपल था और इसने बटा में दिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ से बटा को सॉल्व करके हटा लेंगे और जैसे पहले था उस फॉर्म में लाएंगे। इसको हम समीकरण पहला को एक देते हैं और इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए है x by 3 plus t by 2 बराबर 6 है,
ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, थ्री और टू का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, थ्री और टू का लघुत्तम कितना होगा, सिक्स होगा, ठीक है, सिक्स हो गया। अब यहाँ पे इसको भिन्न का, सिंपल भिन्न का जोड़ है तो इसको बनाएंगे, थ्री से इसको डिवाइड करेंगे, टू टाइप्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा टू ए प्लस थ्री टी बराबर सिक्स। अब यहाँ पे ये जो सिक्स है इसके बटा में है, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा टू ए प्लस थ्री टी, ये इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। होगा होगा, इसको हम समीकरण दो मानेंगे, दो फर्स्ट ये वाला सिंपल था, इसको मान लिए समीकरण एक, और ये थोड़ा बटा में था, इसको हम सिंपल बनाए और इसको समीकरण दो दिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्म में था, पहला ऐसे दिया हुआ था, सेकंड ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण एक और दो से हम टी और एस का वैल्यू निकालेंगे, टी और एस का मान निकालेंगे, यहाँ पे किसी से भी निकाल सकते हैं। पहले क्या करेंगे, समीकरण एक या दो से एस या टी का मान निकालेंगे, हम समीकरण एक से एस का मान निकाल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इसको देखिए यहाँ पे है एस माइनस टी बराबर थ्री, एस का यहाँ से मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा एस, यहाँ पे देखिए टी माइनस में है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस, प्लस में एस बराबर हो जाएगा थ्री प्लस टी, होगा। इसको हम समीकरण तीन देंगे, फर्स्ट ये समीकरण हो गया, सेकेंड ये हुआ, और फर्स्ट से हम एस का मान निकाले उसको हम समीकरण तीन दे रहे हैं, इसके बाद समीकरण तीन का मान, समीकरण तीन को हम समीकरण दो में रखेंगे, दो फर्स्ट फर्स्ट से हम वैल्यू निकाले है ना, फर्स्ट से एस का मान निकाले है, तो जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरा में रखेंगे, तो यहाँ पे हम फर्स्ट से ये समीकरण एक है, समीकरण एक से एस का मान निकाल रहे हैं, तो इसको हम दो में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एस का मान, या फिर ऐसे लिख दीजिए एस बराबर थ्री प्लस टी समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर, समीकरण दो क्या है, टू एस प्लस थ्री टी बराबर 36, ये हो जाएगा ए टू इंटू एस, एस का मान कितना है थ्री प्लस टी, प्लस थ्री टी बराबर 36, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम एस का मान समीकरण दो में रख रहे हैं, और समीकरण दो है टू ए प्लस थ्री टी बराबर 36, इसमें इसका वैल्यू रखेंगे
टू इंटू एस, एस का वैल्यू कितना है, एस का मान यहाँ पे है थ्री प्लस टी, इसको रखेंगे प्लस यहाँ पे देखिए है थ्री टी, प्लस थ्री टी कर दिए बराबर 36 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये टू से ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा टू इंटू थ्री, सिक्स हो जाएगा, दो गुना तीन छ प्लस टू टी प्लस ये थ्री टी पहले से है थ्री टी बराबर 36। अब जो एक जैसा है उसको एक साथ रखिए, यहाँ पे सिक्स है और प्लस टू टी बराबर 36 है, तो हम देख रहे हैं यहाँ भी टी है और इसमें भी टी है, ये आपस में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t 5t बराबर 36। अब t को फ्री करेंगे, t के साथ ये 6 जो है प्लस में है इसको इधर भेजेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5t बराबर 36। यहाँ से t का वैल्यू फाइंड कीजिए, ये हो जाएगा इधर ये के साथ, हाँ बोलिए, समीकरण दो को वन में रखकर नहीं बना सकते हैं, समीकरण दो को वन में रखकर, समीकरण दो से अगर एस या टी का मान निकालिएगा तो एक में रख सकते हैं, जैसे हम फर्स्ट को लव कर रहे हैं वैसे आप सेकंड को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एस या टी का मान समीकरण दो से निकालना होगा, मैम वन में रखेंगे, मैम आप बोलिए, अभी जो बना है ना 6 प्लस 5t बराबर 36, हाँ उसके नीचे 6 कहाँ गया, अभी ये करेंगे यहाँ पे छुप जा रहा है, ये माइनस हो जाएगा इधर, ये इधर इसके साथ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5t बराबर 30 और t का मान यहाँ से निकालेंगे तो t बराबर हो जाएगा 30 और बटा में इसका हो जाएगा 6, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 5, 30 बच्चा में 6 है, ठीक है। यहाँ से हम t का मान निकालिए, ये आ रहा है 5, करेंगे मैम, मैम ना आएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये आ जा रहा है, ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है पर ये इधर वाला लिख लिए हैं, इतना लिख लीजिए उसके बाद आगे बताते, 5t बराबर 30, 5t बराबर 30, यहां से निकालिएगा तो t बराबर हो जाएगा 30 और ये बचा में 5 होगा तो ये कटेगा 6 हो जाएगा, 6 होगा, 6 होगा, हम क्या किए, समीकरण एक और दो, एक को एक माने हैं और दो थोड़ा सा बटा में था उसको सिंपल किए और उसको दो माने, अब समीकरण एक से एस का मान निकाले, यहाँ पे एस बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, अब क्या करेंगे, एस का जो मान आ रहा है उसको हम समीकरण दो में रखेंगे, ये दो है इसमें रखेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू एस का मान आ रहा है अभी 3 प्लस टी, ये ब्रैकेट बंद, प्लस
इसमें पहले से है 3t लिखेंगे और बराबर 36। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस 2t प्लस ये काम नहीं कर रहा है बराबर 36। इसको आगे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 और 2t प्लस 3t 5t बराबर 36। इसको आगे कीजिएगा सॉल्व तो आ जाएगा इधर ये। अब इसको t को फ्री करेंगे, t के साथ 6 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आ जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6। इसको आगे सॉल्व कीजिए, 5t बराबर 36 में 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 30। आगे t को फ्री करेंगे, ये इधर 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 30 बाय 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार में। तो t का मान मेरा आ गया, t का वैल्यू आ रहा है 6। अब क्या करेंगे, यहाँ से t का जो मान आया उसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। t का जो मान आया उसको समीकरण 3 में रखेंगे। लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तीन में रखने पर, तीन क्या है x बराबर 3 प्लस t, और t का भी हम मान निकाले हैं कितना है 6, ये आ जाएगा x बराबर 3 प्लस 6 9। इसलिए x बराबर 9 और t बराबर 6, ये जो मेरा रैखिक युग्म दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें हम देखें प्रतिस्थापन विधि से रैखिक युग्म को हल करना। इसमें क्या कर रहे हैं, दो मेरा समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है, उसमें से किसी एक समीकरण से हम एक चर का मान निकाल रहे हैं, एक चर का मान निकाल रहे हैं और उसको हम समीकरण 3 दे रहे हैं। ठीक है, उसको समीकरण 3 दे रहे हैं और उसको उठाकर जिससे हम इसका मान निकाले हैं दूसरा समीकरण में उसका मान रखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में था, एक और दो समीकरण हम माने और एक से हम s का मान निकाल रहे हैं, ये आ रहा है 3 प्लस t। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि हम इसको एक से निकाले हैं तो इसका मान हम 2 में रखेंगे। 2 मेरा समीकरण था 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, यहाँ पे s का मान रख देंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी इंटू प्लस 3t बराबर 36। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 6 प्लस ये 2t प्लस 3t बराबर 36 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व कीजिए, जो एक जैसा है उसको एक साथ रखेंगे, यहाँ पे 6 है और इधर प्लस 2t है प्लस 3t, ये t इसमें दोनों में है तो इसको आपस में हम जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 6 प्लस 5t बराबर 36। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये इधर, अब हमको t का मान निकालना है तो t को हम फ्री करेंगे, t को पहले
फ्री करेंगे। हो चुका है, इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको भेजेंगे इधर, माइनस में हो जाएगा, उसी का मान आ जाएगा सिक्स। जो यहाँ पे टी का मान आ रहा है उसको हम अब थ्री में रखेंगे, थ्री में रख दिए, मेरा एफ का भी मान आ गया। ठीक है, तो ये था प्रतिस्थापन विधि। इसी को आगे हम विलोपन विधि से भी बना सकते हैं। तीनों विधि से बताइए। तीन विधि है, ठीक है, तीन विधि है। पहले फर्स्ट समझ लीजिए, उसके बाद सेकंड बताते हैं। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि विलोपन विधि इसमें क्या है, दो चर है, एक चर को हम लुप्त करेंगे, एक को हटाएंगे और उसके बाद एक का मान निकाल कर दूसरे में रखेंगे। इसको समझते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं। यहाँ पे था x प्लस वाई बराबर 40 और एक था x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण दिया हुआ है, समीकरण युग्म एक ये है और इसको हमको बनाना है विलोपन विधि से। हम पहले इसको हम अभी जस्ट बनाया है प्रतिस्थापन विधि से, अब इसी को बनाएंगे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन में क्या होता है, एक्स या वाई दो चर ही है, दो चर में से किसी एक चर को हम लुप्त करेंगे, हटा देंगे। अब कैसे हटाएंगे, यहाँ पे देखेंगे इसका गुणांक कितना है, x का इसमें x का कितना है और इसमें कितना है, या फिर y का गुणांक कितना है, दोनों में से किसी एक का गुणांक हम बराबर करेंगे। बराबर दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो हम इधर गुना करेंगे उससे और उसको बराबर करेंगे। तो इसमें तो बराबर है, x का भी गुणांक 1 है इसमें, और इसमें भी 1 है, इधर देखते हैं तो y का भी 1 है और यहाँ भी माइनस 1 है। अब इसको हम क्या कर देंगे, सिंपल ये जुट जाएगा। अगर साइन x और y का सेम है तो हम साइन चेंज करेंगे, और साइन अगर अपोजिट है तो चेंज करने का जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि इसको हम घटा देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और अगर साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है तो हम जोड़ देंगे। तो हम समीकरण इसको एक मानते हैं और इसको दो मानते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ भी प्लस एक्स है, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, टू एक्स, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, और यहाँ पे देखिए प्लस वाई और ये माइनस वाई, प्लस वन वाई और माइनस वन वाई ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा 14 प्लस 4, ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, समीकरण जो दिया हुआ है उसमें दोनों चर में से किसी एक चर को, चर के गुणांक को बराबर कर रहे हैं। इसमें तो बराबर दिया हुआ था, बराबर करने के बाद
दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे या घटाएंगे, देख लेंगे कि जोड़े हम तब ये लुप्त होगा या घटाए तब लुप्त होगा। कोई भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ रहे हैं, समीकरण एक और दो मान नाइन आएगा, जोड़ रहे हैं तो ये आ जा रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y लुप्त हो गया, 2x बराबर 18 आ गया, x बराबर आ जाएगा इधर ये डिवाइड में जाएगा 18/2, इसको काटिएगा तो x बराबर आ गया 9, ठीक है, x बराबर 9 आ गया। अब x का मान हम समीकरण एक या दो किसी में रख सकते हैं, एक या दो किसी में भी रख सकते हैं और यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। चलिए दो में रखते हैं, x का मान समीकरण दो में रखने पर दो क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x कितना आया है मेरा 9 माइनस y और ये बराबर आ जाएगा 4। आगे इसको सॉल्व कीजिए, y को फ्री करेंगे तो 9 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस y बराबर 4 माइनस 9। इसके बाद यहाँ पे है माइनस y बराबर आ जा रहा है माइनस 5, दैट मीन्स y बराबर माइनस इधर इधर कैंसिल हो जाएगा 5। ये मेरा यहाँ पे आया इसका सोल्यूशन, x बराबर 9 और y बराबर 5, ठीक है। इसमें देखिए अभी हम प्रतिस्थापन से बनाए थे, उसमें भी यही आंसर है, यही आया था, प्रतिस्थापन विधि से बनाए थे उसमें भी यही था, x बराबर 9 आया था और y बराबर 5 आया था, इससे भी बनाएंगे तो ये आएगा। तीन मेथड है जो इजी लगे उससे हम बना सकते हैं। इसमें हम अभी विलोपन विधि देख रहे थे, विलोपन मतलब होता है एक चर को लुप्त करना, ये इजी क्वेश्चन था। इसमें हम देखें x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ था और x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले क्या करते हैं, दोनों चर में से किसी एक चर का गुणांक बराबर करते हैं, इसमें बराबर दिया हुआ है, बराबर करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों समीकरण बराबर करने के बाद जो समीकरण आ रहा है, बराबर करने के बाद जो समीकरण आ रहा है उसको हम क्या जोड़े या घटाए कि चर लुप्त हो, मतलब एक चर खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे इसमें है एक समीकरण एक है और ये दो है, इसमें देख रहे हैं अगर समीकरण एक और दो को हम आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ से y जो है लुप्त हो जाएगा, y कट जाएगा, ठीक है, y कट जा रहा है तो ये आ जाएगा x प्लस x 2x बराबर 14 प्लस 4 18। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जा रहा 9 और x का आ गया, इसको हम समीकरण एक या दो किसी में भी रख सकते हैं, हम समीकरण दो में रखे हैं, समीकरण दो है x माइनस y बराबर 4, यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर आ जा रहा है मेरा 5, ठीक है। आप लोग के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन बच जा रहा है उसको आप लोग बनाकर लाइएगा, दोनों मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से भी और विलोपन विधि से भी। ओके मैम।
नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ब्रज गुणन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू मैम।